हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नोकिया फ़ोन है तो नोकिया फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक है तो फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन पे इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको इसमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। स्वाइप करेंगे तो ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे, जहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डिस्प्ले सेटिंग्स। सॉरी, आपको आएगा ऑप्शन, यहाँ पर सर्च करना है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट लॉक को हम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो जो फिंगरप्रिंट लॉक है सेट करने के लिए पहले तो पासवर्ड डाल देना है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं। आप देखते हैं, आपको कंफर्म करना और यहाँ से आपको फिंगर को अटैच कर देना। इस तरीके से आपको फिलअप करते जाना है। तो थोड़ी इसको ठीक से लेते हैं। इस तरीके से आपको टैप करते जाना है, जैसे फिलअप होता जा रहा है। तो हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक इसमें ऐड हो चुका है पूरी तरीके से। इसलिए ये ऐड हो चुका है, आपको डन करना है। डन करते फिंगरप्रिंट हमारे फ़ोन में सेट हो गया है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको इनको ऑफ़ करते हैं तो आप फिंगरप्रिंट के जरिए अपनी स्क्रीन को ऑन कर पाएंगे। इसलिए आप जैसे फिंगर्स के हम इस तरीके से टच करते ही ऑफ हो गया। जैसे हम इसको ऑफ़ करते हैं, इस तरीके से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं नोकिया फ़ोन की। सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।